हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग टीजीटी पीजीटी इंट्रेंस के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं और इस क्रम में जो मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। दिस इज लेक्चर नंबर वन ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है। तो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं ना, ये आपके जो DSSSB TGT PGT मैथ्स है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का जो फॉर्म निकला हुआ उसके लिए भी उपयोगी है। साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय और आपके अपने स्टेट के जो TGT PGT इंट्रेंस है उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिख रखा है सीक्वेंस का। सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हूज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, that is if f from n to c, c is set of complex numbers, it's a sequence, we usually denote it by this f of n and which is equal to f of 1 comma f of 2 dot dot, ठीक है। इसका मतलब मैं अगर आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊं, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। आसान शब्दों में अगर बात करें तो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में ले लूं, 1 2 3 4 8 9 एनीथिंग, है ना। तो इसमें कोई पैटर्न हो या ना हो, सिर्फ एक लिस्ट मैंने बना लिया है नंबर्स का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। अगर पैटर्न है तो अच्छी बात है, पैटर्न नहीं भी है तो भी अच्छी बात है, हम इसको सीक्वेंस बोलेंगे। तो सीक्वेंस क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस टर्म में हम बात करें, इस डेफिनेशन के टर्म में बात करें, एक फंक्शन होता है कहां से कहां तक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैं यहां पे ले लूं और सेट ऑफ, मान लीजिए अगर मैंने रियल नंबर लिया, अगर इसका कोड में लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये रियल सीक्वेंस बनेगा। और अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया तो कोई भी जो है तो वो रियल भी हो सकता है, रियल नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए सेट ऑफ रियल नंबर्स मैंने ले लिया सर कोड में, यहां पे मैंने लिखा 1 2 3, तो ये 1 किससे एसोसिएट, यहां से यहां तक फंक्शन डिफाइन कर देगा, तो 1 एसोसिएट किससे हुआ? एफ 1 से एसोसिएट हो गया। 2 किससे एसोसिएट हुआ? एफ 2 से एसोसिएट हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है ना, जो चीजें मिलते हैं f1 कॉमा f2 इस तरीके से लिखते हैं वो सीक्वेंस बन जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, f ऑफ n इज इक्वल टू m, ये एक सीक्वेंस है, है ना। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज सीक्वेंस, कैसे, n इज इक्वल टू 1 रखिए तो क्या मिलेगा? 1, n इज इक्वल टू 2 रखिए 2, n इज इक्वल टू 3 3, इस तरीके से एक सीक्वेंस मिल गया। तो सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है, कहां, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स मैंने कोड में लिया तो उसमें जो सीक्वेंस मिलेगा उसको हम रियल सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस को इस टर्म में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और बहुत ही आसान शब्दों में अगर कहें तो सीक्वेंस क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। इसमें कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लें, बीच में कॉमा लगा के रख दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। इसमें किसी पैटर्न के फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, पैटर्न फॉलो कर दिया गुड, नहीं भी फॉलो किया तब भी हम उसको सीक्वेंस बोलते हैं। आगे मैंने इसी चीज को नोट करके लिखा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस ऑलवेज फॉलो ए सर्टेन पैटर्न। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो करे। जैसे 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, एक एक ऐड करते जा रहा है 1 2 3 4, लेकिन 4 के बाद देखिए ट्रेंड ऑफ 8 आ गया, फिर क्या आ गया 9 आ गया, है ना। तो कोई पैटर्न इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। और अगर 1 2 3 4 इसको ले लें, ये भी एक सीक्वेंस है, इसमें तो एक पैटर्न है, है ना। सभी दूसरा वाला टर्म पहले वाले टर्म से, पिछले वाले टर्म से एक ज्यादा है, हर बार अगला टर्म पिछले वाले से एक ज्यादा है, इसमें तो पैटर्न है तो भी इसको हम सीक्वेंस बोल रहे हैं। अगर पैटर्न नहीं भी है तब भी हम लोग सीक्वेंस बोल रहे हैं। जनरली दिस इज लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का एक लिस्ट बीच में कॉमा लगा के उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑलवेज फॉलो ए सर्टेन पैटर्न और दे आर डिस्क्राइब्ड बाय सम एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर द nth टर्म। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस के nth टर्म का कोई फार्मूला मिल जाए आपको, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय द कॉमास, सीक्वेंस के जो टर्म्स है उसके बीच में लोग क्या लगा देते हैं? कॉमा लगा देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 1, 1, 2, 3, 5, 8 इज अ सीक्वेंस। देखिए इसमें कोई पैटर्न नहीं है, 1, 1, 2, 3, 5, 8 कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन ये क्या है? सीक्वेंस है, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस। अब देखिए सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं ना, अगर इसको मैं ऐड करके या सबट्रैक्ट करके लिख दूं, जैसे मैंने कहा कि 1, 1, 2, 3, 4 ये सीक्वेंस है, अब इसके टर्म्स को ऐड करके 1 + 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे मैं लिखूं या सबट्रैक्ट करके लिख दूं ना, तो ये सीरीज बन जाता है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन लिखा है मैंने सीरीज के लिए, ये डेफिनेशन है कि बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस वी गेट ए सीरीज। इफ t1, t2, t3, tn इज अ सीक्वेंस, देन t1 + t2 + t3 ... इज अ व्हाट सीरीज।
तो सीक्वेंस के टर्म्स को या तो आप ऐड करके लिख दीजिए या तो सबट्रैक्ट करके लिख दीजिए, तो जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोग्रेशन। देखिए प्रोग्रेशन क्या होता है, अ प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस व्हिच टर्म्स फॉलो ए सर्टेन पैटर्न, दैट इज द टर्म्स आर अरेंज्ड अंडर ए डेफिनेट रूल। देखिए हमने कहा कि जो सीक्वेंस था वो लिस्ट ऑफ नंबर्स था, उसमें कोई रूल हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन वो सीक्वेंस जिसमें कुछ पैटर्न होगा उसको तो हम प्रोग्रेशन बोलेंगे, लेकिन वो सीक्वेंस जिसमें कोई पैटर्न नहीं होगा उसको प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। तो प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। प्रोग्रेशन भी क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, लेकिन कैसा सीक्वेंस, जिसका टर्म्स कुछ सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं, किसी भी सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं, रूल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 13579 इज अ प्रोग्रेशन। क्यों भाई, देखिए इसका जो सेकंड टर्म है फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करने से मिला, तो थर्ड टर्म में देखिए सेकंड टर्म में 2 ऐड करने से मिला, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म में 2 ऐड करने से मिला। तो एक यहां पे पैटर्न है, इसलिए हम इस सीक्वेंस को क्या बोल रहे हैं, प्रोग्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि 1, 4, 9, 16, 25 ये भी एक प्रोग्रेशन हो सकता है। क्यों, देखिए ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर है, ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, ये भी एक प्रोग्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन रूल को फॉलो करता है। जैसे मैं आओ लिखूं 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट, देखिए 2 2 जा कितना हुआ 4, 4 2 जा कितना हुआ 8, 8 2 जा कितना हुआ 16, ये भी कुछ सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है, जो प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस व्हिच टर्म्स फॉलो ए सर्टेन पैटर्न, जिसके टर्म्स क्या होता है, किसी सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं, उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो जो पहला हमें प्रोग्रेशन पढ़ना है ना, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी लिखते हैं, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो प्रोग्रेशन होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और उसके बाद उसकी मिक्सिंग करके भी थोड़ा पढ़ाया जाता है कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस तरीके की चीजें, मिसलेनियस प्रोग्रेशन, ये सब सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन बेसिकली 3 टाइप के हम लोगों को पढ़ने होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मैं पहला प्रोग्रेशन लिया हूं जिसका नाम क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एपी। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हर टर्म पिछले टर्म में कुछ ऐड करने से मिलता है, कोई फिक्स नंबर ऐड करने से मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने कहा फिर पहला टर्म ए लिखा, दूसरा टर्म कैसे मिला, पहले टर्म में डी ऐड करने से मिला, तीसरा टर्म कैसे मिला, दूसरे टर्म में डी ऐड करने से मिला। तो इस तरीके से हर टर्म पिछले वाले में एक कॉन्स्टेंट नंबर ऐड करने से मिलता है, ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा, डी। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या आएगा, डी। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या आएगा, डी। हर बार Tn-Tn-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, तो Tn-Tn-1 कितना हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। Tn मतलब कोई भी टर्म ले और उसमें पिछले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो हम हर बार एक फिक्स क्वांटिटी आएगी। जैसे a प्लस डी में से a को माइनस करें क्या आएगा, डी। a प्लस 2d में से a प्लस डी को माइनस करें क्या आएगा, डी। तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टेंट आता है इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, डी से। और फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए से। फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए से। तो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे दूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। ठीक है, ये कैसा है, ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, देखिए 4 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2। 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2। 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2। इस तरीके से आता रहता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2, है ना। हर कॉमन इसलिए बोलते हैं, देखिए हर बार जो ये तो डिफरेंस हमने निकाल के रखा है, हर जगह क्या कॉमन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। और इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। और भी एग्जांपल आप बना सकते हैं, जैसे 1 + 1, 5, 9, 13 डॉट डॉट, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे, 5 - 1 कितना आएगा, 4। 9 - 5 कितना आएगा, 4। 13 - 9 कितना आएगा, 4। हर जगह जो डिफरेंस है, नेक्स्ट टर्म एवी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, वो हमेशा कांस्टेंट है, इस टाइम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करने का तरीका यही हो गया कि कहीं भी आप चेक करिए कोई टर्म माइनस पिछला टर्म, तो जो डिफरेंस आएगा वो हर जगह सेम रहेगा, तो उस प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसको हम डी से डिनोट करेंगे, और फर्स्ट टर्म को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं।
फ्रेंड्स जो अगला कॉन्सेप्ट है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, देखिए जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 4 2 4 6 8, पहले मैंने आपसे पूछा कि ये प्रोग्रेशन कौन सा, आपने पहचान लगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कैसे पहचान लिया 4 - 2 = 2 6 - 4 = 2 8 - 6 = 2, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपसे कहा कि इसका 500वां टर्म बताइए, तो आप जो हो सकता है तुरंत बता पाए आप, और कुछ लोग क्या करेंगे इसको लिखना शुरू कर देंगे, क्या 8 के आगे 10 आएगा 10 के आगे 12 आएगा 13 आएगा, ऐसे बहुत समय लगेगा, फिर 12 आएगा 14 आएगा 16 आएगा 18 आएगा, तो 500वें नंबर में क्या आएगा, तो ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। या मान लिया और मैं थोड़ा तगड़ा लिखूं, अगर जैसे 1 8 15 है ना, 22 है ना, 29, पहले मैं इसका पूछूं इसका 290th टर्म क्या होगा, तो आप जो है फिर आपने देखा कि पहले एपी तो है, 8 - 1 कितना होगा 7, 15 - 8 कितना होगा 7, 22 - 15 कितना होगा 7, 29 - 22 कितना होगा 7, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आपने पहचान लिया, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसका 290th टर्म क्या होगा, तो आपको लिखने में काफी समय लगेगा। इसके लिए हम किसकी स्टडी करते हैं, इसके लिए हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी पता करते हैं। किसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, एनथ टर्म इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द एपी, इट इज डिनोटेड बाय टीएन और एएन, और इसका फार्मूला क्या होता है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें ए क्या है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये कहां से आया, बड़ा आसान है, अभी आपने लिखा था कि एक एपी आपने लिखा था कि एपी कैसा होता है, एपी का पहला टर्म क्या होता है ए, दूसरा टर्म क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या होता है ए प्लस टू डी, अगर ये क्रम चलाते रहें nth नंबर में क्या आएगा, ये देख के बता सकते हैं। देखिए ए ए सब में आना है, यहाँ पे भी ए आएगा, और ये जो 1 था तो यहाँ पे आपने क्या लिखा था 0d, ये 2 था तो क्या आपने क्या लिखा था 1d, 3 था तो क्या लिखा था आपने 2d, n है तो क्या लिखेंगे आप n माइनस 1 इंटू डी, तो यही nth टर्म का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं हम इसको, जो है अगर हम इसकी बात करें, जैसे मैंने अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1 1 8 15 22 29, इसका 219वां टर्म कितना आएगा, इसको डिनोट किससे करेंगे, t 219। ठीक है, t 219, टर्म को tn से 219वां टर्म निकालना, तो t 219, मतलब यानी कि वैल्यू कितनी होगी 219। फार्मूला हम लिखते हैं, फार्मूला क्या लिखें, ए ए का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, n की वैल्यू आपने कितनी बता दी 219, तो 219 - 1, और डी डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आया 8 - 1 8 - 1 = 7, इसमें से इसको माइनस करिए चाहे इसमें से इसको माइनस करिए चाहे इसमें से इसको माइनस करिए, ये हमेशा 7 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना 7, ये 7 रख दिया मैंने, तो 1 प्लस 218 और इंटू 7, अब इसको मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे, तो 219 टर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जनरल टर्म के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए इसी में कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 2 4 6 8 .. मान लीजिए कि इसी में कोई आपसे पूछे कि मान लीजिए हम अंतिम टर्म यहाँ डिसाइड कर देते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि इसका अंतिम टर्म है 100। ठीक है, 2 4 6 कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, किसी तो आपने पहचान तो लिया कि एपी तो है ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों, 4 - 2 2 6 - 4 2 8 - 6 2, तो अब मैं अगर आपसे पूछूंगा 19th टर्म क्या होगा, शुरू से 19th टर्म, तब तो ये आप फार्मूला लगा देंगे, लेकिन मैं लास्ट से पूछूं लास्ट से 19th टर्म क्या आएगा, तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे l क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितना होगा 100, माइनस अगर मुझे निकालना है लास्ट से मैंने कितना कहा, लास्ट से 19th टर्म है ना, 19th टर्म फ्रॉम लास्ट अंतिम से 19वां टर्म, इधर से 19वां टर्म कितना आएगा, तो 100 लास्ट टर्म हो गया 100 माइनस n की वैल्यू कितनी होगी 19, तो 19 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना 2, इसको सॉल्व करने के आंसर आ जाएगा 100 माइनस 18 इंटू 2 कितना आ जाएगा 100 माइनस 36 कितना आ जाएगा 64। ठीक है ना, तो 64 और ठीक तो 64 आ गया हमारा, तो इसमें लास्ट से जो हमारा 19th टर्म आएगा कितना का 64। शुरू से हमको nth टर्म निकालना रहेगा, फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी स्टार्टिंग से, और लास्ट से nth टर्म का फार्मूला कितना हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, द 19th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज 2 + 6 + 10 + .. 86 इज व्हाट, फर्स्ट ऑप्शन 6, सेकंड 18, थर्ड 14 और फोर्थ 10। तो सबसे पहले आपने इसको देखा
कि जो 2, 6, 10 ये नंबर्स हैं, तेरे 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, 10 माइनस 6 कितना आएगा 4, तो हर जगह जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो ये जो नंबर्स है ना वो किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे लास्ट से 90th टर्म निकालना है। तो जस्ट मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू l-n-1 इंटू d, ठीक है। मुझे कौन सा निकालना, 19th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। 19th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू l क्या है, लास्ट टर्म कितना 86, माइनस n, n मतलब कौन सा टर्म, 19th टर्म निकालना, तो 19-1, और d, d मतलब कॉमन डिफरेंस, 6-2, 4, 10-6, 4 कॉमन डिफरेंस कितना 4 है, इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा 86 - 18 × 4 विच इज इक्वल टू 86 - 72 एंड विच इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। तो हमारा 14 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द nth टर्म ऑफ द सीरीज 3 + 10 + 17 + ... एंड 63 + 65 + 67 + ... आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, फर्स्ट ऑप्शन 11, सेकंड ऑप्शन 12, थर्ड ऑप्शन 13 और फोर्थ ऑप्शन 15, ठीक है। आई इसको सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले मैंने इसको देखा, इस नंबर्स को देखा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कैसे 10-3 कितना होगा 7, 17-10 कितना होगा 7, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर्स है वो किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। दूसरी बात, ऐसा कॉमन डिफरेंस इसका जो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 7, 10-3 = 7, 17-10 = 7, हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम। इस नंबर्स को भी हमने देखा, 63 - 65, 65 - 63 - 2, 67 - 65 - 2, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिला, ये जो नंबर्स मिले किसमें मिले, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिले। तो हमें कहा जा रहा है कि इसका nth टर्म और इसका nth टर्म बराबर है, तो n की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो nth टर्म हम पहले का निकालते हैं, nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज, सीरीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्लस लगा हुआ है, इसलिए हम सीरीज बोल रहे हैं, nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a + n-1 × d, ठीक। a कितना 3 प्लस n, n पे जगह n लिखेंगे, पता नहीं n कौन सा है, nth टर्म निकाला n-1, d कितना 7, तो इसको सॉल्व कर दे कितना होगा 3 + 7n - 7 कितना जाएगा 7n - 4 - 7 + 3 - 4। अच्छा nth टर्म ऑफ सेकेंड सीरीज की बात करें तो फार्मूला फिर से वही a + n - 1 × d, ये कितना हुई, ये कितना 63 + n - 1, आपकी बार d कितना है 65 - 63, दैट इज 2, कितना आ जाएगा 2n, ये -2 + 63 कितना आ जाएगा 61। अब कहा जा रहा है कि दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब कि 7n - 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7n - 4 इज इक्वल टू 2n + 61, सॉल्व कर दें अगर, तो 7n - 2n कितना होगा 5n, 61 + 4 कितना होगा 65, n की वैल्यू कितनी आ गई 13, n इज इक्वल टू 13, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इन ए सर्टेन एपी 5 times the 5th term इज इक्वल टू 8 times the 8th term, देन इट्स 13th term इज व्हाट। देखिए मुझे 13th term निकालना है, 13th term का फॉर्मूला कितना हो जाएगा a + 12b, ये कैसे मैंने निकाला, nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है a + n - 1 × d, ये जगह 13 रख देंगे तो कितना हो जाएगा t13 = a + 13 - 1 कितना होगा 12d, ठीक है। तो 13 टर्म का फार्मूला हो गया a + 12d। आप इसको ध्यान रखिएगा, जैसे कहा जाए 20 टर्म का फार्मूला होता है तो a + 19d, 30 टर्म का फार्मूला a + 29d, मतलब d एक कम कर देना, यहाँ पर a तो लिखना ही है, 30 बोलेंगे तो 12d बोलना है, 15 बोलेंगे तो क्या बोलना है a + 14d, है ना, और मान लीजिए 25 बोलेंगे तो a + 24d एक कम करके बोलना है। तो इसको आप डायरेक्ट हम लिखेंगे बार बार, वो t = a + n - 1 × d हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम t13 = a + 12, ये मुझे निकालना है। इसके बारे में दिया क्या है मुझे, व्हाट इज गिवन, 5 times 5th term इज इक्वल टू 8 times 8th term। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, 5 times 5th term का फॉर्मूला कितना हो जाएगा a + 4d इज इक्वल टू 8 times 8th term का फॉर्मूला कितना हो जाएगा a + 7d, है ना।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना जाएगा 5a प्लस 20d इज इक्वल टू 8a प्लस 56d, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, और देखिए 8a माइनस 5a कितना हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3a, और 8a माइनस 5a कितना होगा 3a, 56d माइनस 20d है ना, कितना हो जाएगा 20 कम कर दें तो कितना हो जाएगा 36d है ना, इज इक्वल टू लेफ्ट में क्या बचेगा 0, सभी को मैंने राइट में बुला लिया, 8a माइनस 5a कितना होगा 3a, 56d माइनस 20d कितना होगा 36d इज इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा a प्लस यहां कितना मिलेगा 12d इज इक्वल टू 0, ये मुझे यहां से मिला जो गिवन कंडीशन था मुझे वहां से मिला a प्लस 12d इज इक्वल टू 0। अच्छा मुझे निकालना क्या है, a प्लस 12d की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 0, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस उसको सॉल्व करते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो आज का लेक्चर, तो जरूर एक लाइक का बटन दबाएं आप लोग, नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।